नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर रोल ऑफ ऑनलाइन रिटेलर सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या ऑपरचुनिटीज़ अवेलेबल है वट आर दी ऑपरचुनिटीज़ दैट कैन बी यू नो देट आर अवेलेबल ऑन द टेबल सबसे पहली बात कि ई रिटेलर ऑनलाइन रिटेलर ओपन अप कर रहा है बहुत सारे एवेन्यूज़ फॉर द बिजनेसिस फॉर द कंपनीज क्योंकि जहाँ एक तरफ कंपनी के पास एक फिजिकल स्टोर मौजूद है उसके पास हंड्रेड ऑफ कस्टमर्स मौजूद हैं ऑन दी अदर साइड अगर वो ऑनलाइन रिटेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाता है दूसरी बात एक बहुत बड़ी रेंज ही कैन सेल टू द कस्टमर्स नॉर्मली एक स्टोर के अंदर जो कैन हैव फिफ्टीन थाउजेंड प्रोडक्ट जो कैन हैव ट्वेंटी थाउजेंड प्रोडक्ट्स लेकिन अगर हम ऑनलाइन रिटेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने की बात करें तो एक ऑनलाइन रिटेलर कैन सेल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम एंड दे आर सेलिंग ऑल्सो अमेजोन इज सेलिंग ओवर फोर मिलियन प्रोडक्ट एट द सेम टाइम मीन्स कि ये काम कभी भी एक फिजिकल स्टोर के ऊपर मुमकिन नहीं था लेकिन ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ये एक बहुत बड़ी अपर्चुनिटी है दैट यू कैन सेल एज मच आइटम्स एज मैनी आइटम्स एज यू वॉन्ट टू सेल इसी तरीके से जो ऑनलाइन रिटेलिंग बिजनेस है ये बिज़नेसेस के लिए एक और अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट करता है प्रोफिटबिलिटी क्रिएट कर रहा है कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है तो जहाँ एक तरफ रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ ऑफकोर्स प्रोफिटबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है वहाँ साथ साथ बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द फिजिकल स्टोर क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना क्योंकि आपने शॉप का रेंट नहीं देना जो मेजर कॉस्ट आपके पास मौजूद है एक फ़िजिकल स्टोर के हवाले से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है ऑनलाइन रिटेलिंग में ऑफ कोर्स इसकी अपनी कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड है लेकिन एज कम्पेयर टू दैट ये इफेक्टिव है कॉस्ट के हवाले से तो so, इसी तरीके से कस्टमर को एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करना कस्टमर को एक चीपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना कस्टमर को एक कम्पेटिटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करना पॉसिबल है बिल्कुल किस तरीके से अगर आप कस्टमर को ऑनलाइन रिटेलिंग के थ्रू सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को जा रहे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नॉर्मली इस केसेस के अंदर कस्टमर को अक्रॉस द वर्ल्ड आप सेल कर रहे होते हैं अब हम डिस्कस करने लगे हैं बेनिफिट्स क्या हैं सेलर्स को जो सेलर है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मौजूद हैं इस ऑनलाइन रिटेलिंग के इलेक्ट्रिक कॉलेक्ट रिटेल के हवाले से सबसे पहला बात है इंक्रीज इन बिज़नेस इंक्रीज इन रेवेन्यू जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली जब भी आप कोई नया चैनल ऐड करते हैं वो अपने साथ नए कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का बिजनेस भी लेकर आता है कुछ कन्वर्जन होगी और कुछ नया बिज़नेस होगा तो इस केस के अंदर नए बिजनेस की जनरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो ये सेलर को सबसे बड़ा एडवांटेज है दूसरी तरफ इस तरह के स्टोर्स को इट इज़ ईजी टू ऑपरेट ट्वेंटी फोर बाय सेवन नॉर्मली फिजिकल स्टोर के अंदर लिमिटेशन है हमारे पास कि यू कैन नॉट ओपन ऑफकोर्स यू कैन बट देर आर लिमिटेशन ऑनलाइन के अंदर यू कैन सर्व योर कस्टमर ट्वेंटी फोर बाय सेवन सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मौजूद है कस्टमर से कनेक्ट करने का कर। क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर आपने नोटिस किया कि नॉर्मली कस्टमर की क्या कोशिश होती है रिटेलर की क्या कोशिश होती है कि दोनों का किस तरीके से कनेक्ट हो सके कस्टमर को हर वक्त सोल्यूशन चाहिए और रिटेलर ये चाहता है कस्टमर उसके साथ कनेक्ट में रहे इसी तरीके से एक और एडवांटेज ये है कि देर इट इज एन एबिलिटी टू सेल इनटू नैरो मार्केट्स बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि यू कैन नॉट ओपन योर फिजिकल स्टोर्स आप जहां पर इट इज नैरो मार्केट और इट इज मे बी अ कंजर्वेटिव मार्केट और मे बी इट इज नॉट वेरी सेफ मार्केट टू एंटर एज अ फिजिकल स्टोर लेकिन ऑनलाइन के थ्रू यू कैन एक्सेस द होल वर्ल्ड अगर आप में भी काफी कंपनीज ऐसी हैं

और एक्सचेंज कस्टमर के साथ जो करेक्ट है उसमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स मौजूद है इसी तरीके से हमारे पास कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत कनेक्ट मौजूद है दैट इज़ वन ऑफ द कोर बेनिफिट टू द सेलर कस्टमर के साथ हर वक्त किसी भी तरीके से उसकी क्वेरी को यू कैन रिस्पॉन्ड कस्टमर ने कोई भी क्वेश्चन किया यू कैन ईजीली आंसर इफ़ यू हैव ऑनलाइन एक्सेस विद द कस्टमर इसी तरीके से हमारे पास देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द बायर्स मैंने उसमें से कुछ समराइज पॉइंट किए हैं आपके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वाइड रेंज द कस्टमर कैन हैव एन एक्सेस ऑफ एवरी थिंग विच इज लुकिंग फॉर तो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर यू कैन शो टू कस्टमर और कस्टमर कैन गेट वॉट एवर ही इज लुकिंग फॉर इसी तरीके से बाइंग ऑप्शन उसके पास बहुत सारी हैं कस्टमर जो है अगर वो लट से टी वी बाय करना चाह रहा है तो उसके पास बहुत सारे ब्रांड्स की ऑप्शन मौजूद हैं एंड यू कैन गो यू कैन पिक यू कैन कंपेयर एंड देन ईजिली यू कैन बाय इसी तरीके से जिस तरह बायर के पास ऑप्शन थी कि वो सेलर के पास ऑप्शन थी कि वो ट्वेंटी फोर बाय सेवन सेल कर सकता है इसी तरीके से कस्टमर के पास ऑप्शन है कि जब उसको कन्वीनियंट टाइम अवेलेबल है ट्वेंटी फोर आवर्स में से सेवन वीक वीक में से सेवन डेज इन अ वीक में से ही कैन बाय दैट प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन चैनल अगेन वन ऑफ द एडवांटेजेस इज के कस्टमर कैन गेट क्विक डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट उसके पास टाइम नहीं है ही कैन नॉट गो ही कैन नॉट ट्रेवल मे बी कन्वींस नहीं है मे बी कैन नॉट गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट किसी भी वजह से इस केस के अंदर इफेक्टिव ऑनलाइन बिजनेस टूल है बिकॉज देन इस केस के अंदर यू कैन गेट द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट पे करना इज वन ऑफ ऑल्सो द इजिएस्ट थिंग ऑल दो सम कंट्रीज के अंदर इट अ सम चैलेंज फॉर एग्जाम्पल एशिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी इज द मोस्ट एफिशियंट मॉडल मोस्ट अवेलेबल मॉडल आज के दिन में जिसको मोस्ट यूजेबल मॉडल जो कस्टमर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनली इज मोबाइल वॉलेट से लेकर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी एवरी सिंगल थिंग ऑप्शन इज अवेलेबल तो कस्टमर को ऑनलाइन के ऊपर एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है इस तरीके से हमारे पास वन स्टॉप सोल्यूशन का और रिलेशनशिप का वन ऑन वन रिलेशनशिप का बिकॉज कस्टमर को एक ही जगह से सारी चीजें मिल रही हैं वो प्रेफर करेगा मेरा वन ऑन वन रिलेशन इनके साथ एक दफा लाइन हो जाए और दोबारा मुझे बड़ी आसानी के साथ कनेक्ट हो सके क्योंकि वो जानता होगा वो किससे बात कर रहा है कस्टमर और इसी तरीके से रिटेलर ये जानता होगा वो किससे कॉन्टेक्ट में है दिस इज वन ऑफ़ द इफ़ेक्टिव वेज कि जहाँ पर बहुत चांस है कि रिटेलर अपने बास्केट साइज़ को ग्रो कर सके और कस्टमर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को शिफ्ट कर सके टू अ पर्टिकुलर रिटेलर